धौलपुर में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे के फूलपुर गांव में होली मिलन समारोह पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र पराक्रम सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि पराक्रम राठौड़ ने कहा कि आज होली मिलन समारोह में अपार जनसमूह को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी ने 1994 में राजाखेड़ा से जो पारिवारिक रिश्ता बनाया था, वही इसने लाड़ और प्यार मुझे आज आप सबके आशीर्वाद के रूप में देखने को मिल रहा है। मैं जानता हूं कि राजाखेड़ा की जनता को कोठियों से मुक्ति दिलाने और जनसत्ता लाने का अब समय आ गया है। इस जनसत्ता के लिए आपको वोट के रेट की जरूरत है। मैं वादा करता हूं, आपका ये रेट समय आने पर मैं और मेरा परिवार सूद सहित लौटाने का काम करेंगे। अपने परिवार रूपी धौलपुर परिवार के बीच में आया हूं। होली मिलन समारोह है, जनता को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि यहां पे जो अत्याचार हो रहा है उसका घड़ा भर चुका है। बहुत जल्दी राजस्थान में भाजपा का शासन आने वाला है। हमारे लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं दलितों का जो अत्याचार इन लोगों ने किया है उसका इनको कुछ और जवाब देंगे। आने वाले समय में अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत होगा तो उसकी हम लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि पराक्रम राठौड़ राजाखेड़ा विधानसभा से 2023 बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है राजाखेड़ा में ठाकुर और राजपूत वोटों की बहुलता। ठाकुर 16,000 है, वही राजपूतों की संख्या 12,000 है। 1998 में राजेंद्र सिंह राठौड़ राजाखेड़ा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सिटिंग विधायक मनोरवा सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया। उसके बाद राठौड़ अपने बेटे पराक्रम के लिए इसे सुरक्षित सीट माना। 2003 के बाद से ही कई बार चर्चाओं में रहा कि पराक्रम राठौड़ राजाखेड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते उनका नाम केवल चर्चाओं तक ही सीमित रहा। 2008 में रविंद्र सिंह बोरा को बीजेपी ने टिकट दिया, वे यहां से विधायक भी बने। 2013 में विवेक सिंह बोरा को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए दिग्गज कांग्रेसी परिवार के अशोक शर्मा को टिकट दिया। राजाखेड़ा में 20,000 ब्राह्मण वोट होने के बावजूद भी अशोक शर्मा चुनाव हार गए और कांग्रेस के रोहित बोरा यहां से विधायक बने। अब 2023 के विधानसभा के लिए कांग्रेस से रोहित बोरा की टिकट लगभग फाइनल है। घमासान बीजेपी के टिकट पर है। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा पिछले 5 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में मेहनत कर रहे हैं। वे ग्रामीणों के हर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी यहां ठाकुर और ब्राह्मण प्रत्याशियों को अजमा चुकी है, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार ओबीसी कार्ड खेल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी के एक धड़े द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के सपने को पूरा करने के लिए पराक्रम राठौड़ को राजाखेड़ा से बीजेपी का चेहरा बनाए जाने के लिए प्रयासरत है। धौलपुर में आयोजित यह होली मिलन कार्यक्रम इसी कड़ी के तहत देखा जा रहा है। मंच से पराक्रम ने गहलोत सरकार और धौलपुर की कोठियों पर जमकर कटाक्ष किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। कार्यक्रम में भीड़ देखकर पराक्रम सिंह राठौड़ गदगद नजर आए। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर कार्यक्रम के संयोजक जयवीर पोसवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। 2023 के चुनावों में आपको हम एक प्रत्याशी समझे? बिल्कुल ना समझे, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे मेरे जो परिवार रूपी मेरे कार्यकर्ता भाई है उनके साथ कंधे से कंधा लड़ाने आया हूँ और यहाँ पे कोई इसके आगे किसी को सोचने की जरूरत नहीं।